हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बात करते हैं हॉल टिकट के बारे में, तो हॉल टिकट रिलीज़ हो गई है और कब से हुई है, कब तक ये डाउनलोड कर सकते हैं और हॉल टिकट कैसी होनी चाहिए। बहुत सारी हॉल टिकट्स आपको मिली होंगी प्रीवियस ईयर में, बहुत सारी हॉल टिकट ऐसे आई, और इस साल की बात करूँ तो रिसेंटली कुछ लोगों का हॉल टिकट तो रिलीज़ नहीं ही होगा। बात करते हैं हॉल टिकट अगर आप डाउनलोड करते हैं तो कैसे चेक करें कि वो सही है या फिर नहीं। इतनी सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, वरना हॉल टिकट से एग्ज़ाम हॉल से आपको वापस कर दिया जाएगा। बात करते हैं हॉल टिकट के बारे में, तो हॉल टिकट आपको डाउनलोड करने का लिंक igno.ac.in पे मिलेगा, लेकिन फिलहाल स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपका हॉल टिकट का लिंक अभी तक क्यों नहीं आया। तो हॉल टिकट के लिंक को अभी हाईलाइट होने में और 2 दिन का समय लगेगा। जैसे कि एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशन में कहा जाता है, जैसे ही आप पढ़ते हो अपना हॉल टिकट के बारे में, तो हॉल टिकट के बारे में आपको ये बता दिया गया है कि 7 से 10 दिन पहले आपका हॉल टिकट आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन अभी हॉल टिकट रिलीज़ नहीं हुई है। हॉल टिकट रिलीज़ होने में टाइम है। हॉल टिकट आपको जैसे ही आपकी हॉल टिकट रिलीज़ हो जाएगी उसका लिंक आपको इग्नू के डैशबोर्ड में मिल जाएगा। फिलहाल आप इसके लिए परेशान नहीं हुए। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि क्या ये कन्फर्म डेट शीट है, क्या एग्जामिनेशन इसी डेट शीट में होगा, क्योंकि अभी तक एग्जामिनेशंस के हॉल टिकट रिलीज़ नहीं हुई है। तो जैसे कि आपको बता दूँ कि हॉल टिकट रिलीज़ होगी और आपका जो डेट शीट है सेम यही डेट शीट आपकी होने वाली है, और एग्जामिनेशंस आपके 22 जुलाई से ही होने वाले हैं। सारे एग्जामिनेशंस के शेड्यूल जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशंस के हॉल टिकट को डाउनलोड करते हैं उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या मेरा शेड्यूल सही है या फिर नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है जो कि एग्जामिनेशंस के हॉल टिकट में आपको दिया हुआ रहता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मेरा हॉल टिकट इन सब क्राइटेरियाज़ को पूरा करता है या नहीं। सबसे पहले आपको आपका वैलिडिटी री एडमिशन चेक करना चाहिए, कोर्स कोड चेक करने चाहिए, और उसके साथ साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि 2-3 चीज़ें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है चेक करना। पहले तो अपना नाम, उसके बाद इनरोलमेंट नंबर, देन आपको कंट्रोल नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना नाम चेक करना है, सेंटर कोड जरूर चेक करना है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट के पास सेंटर कोड दूसरे आ जाते हैं और वो दूसरा सेंटर कोड चले जाते हैं एग्जामिनेशन देने। एग्जामिनेशन सेंटर का पूरा नाम दिया हुआ रहता है। एक बात ध्यान रखिए, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर का नाम देखते हैं, अगर आप सेंटर नहीं देखे हैं तो पहले जाके ज़रूर चेक कीजिए। आप उसी दिन सेंटर पे मत जाइए, हो सकता है वो सेंटर कहीं और चेंज कर दिया गया हो, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो पहले ही अगर आप अलर्ट रहे तो आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। बात करते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना है, तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, उससे थोड़ी बड़ी भी चलेगी, कलरफुल आप फ़ोटो जो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ है जो आपको चेक करनी है, नंबर 2, कि आपका सब्जेक्ट कोड, आपका सब्जेक्ट कोड वही है जो आपने एग्जामिनेशंस फॉर्म में फिलअप किया था, या फिर कोई गड़बड़ है तो उसको कैसे सुधारें। आपको यहाँ पे सिटिंग भी देखनी है, फर्स्ट सिटिंग है, आफ्टरनून का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग का मतलब होता है क्या, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मॉर्निंग का जो सेशन होता है ना वो 10 से 1 बजे, कई बार स्टूडेंट इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पे आफ्टरनून का सेशन जो है 2 से 5 के बीच में, यानी 2 बजे से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, उससे पहले ही आपको पहुँचना है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर याद रखें। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर के हॉल टिकट में कुछ भी ऐसा मिस्टेक अगर मिले ना, तो इसके लिए आप इसे सुधार कर सकते हैं, आपके पास समय होता है। होता है क्या, आप इसे ले जाकर अपने स्टडी सेंटर जाइए, स्टडी सेंटर में आपको जो भी प्रॉब्लम लगे उसे इशू करवाइए, और आप एप्लीकेशन करके वहाँ के यानी अपने स्टडी सेंटर से आप इसे ठीक करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको इसके बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको इमिडिएटली इसे चेंज करके भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कई बार ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं, इसके बारे में मैंने कहा था पिछले वीडियो में, फिर आपको बता देती हूँ। अगर आपको हॉल एग्जामिनेशन का जो सेंटर है उसे कहीं और ट्रांसफ़र करवाना है, तो ये एक ही शहर में तो नहीं होगा, आप किसी और शहर में कर सकते हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हो, इसमें करना चाहो तो कर सकते हो, और किसी और स्टेट में भी आप इसे एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको आपके
स्टडी सेंटर नहीं, रीजनल सेंटर में जाना होगा। आपके आरसी में जाके ये सारी चीज़ें आपकी चेंज होगी, और जिस सेंटर में आपको एग्जामिनेशंस देनी है उस सेंटर पे भी जाके आपको वहाँ से एप्लीकेशन डाल के परमिशन लेनी होगी। ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, तो अगर आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं की है तो कर लीजिए, 20 जुलाई लास्ट डेट है, इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं DECE। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने की 2-3 लिंक आपको दे दी गई हैं। अगर आप देखें तो 2-3 लिंक है आपको मिलेगा। पहले आपको यहाँ से नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। आपको यहाँ पे 3 लिंक दी गई है। पहला, अगर आप अपने ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट डिसर्शन, फील्ड वर्क, जनरल इंटर्नशिप, तो इस पर क्लिक करें। अगर आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट DEC को फिलअप करना अपलोड करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें। और अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्लिक करें। तो ये है और ये, और यहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप लॉगिन, अगर आपने पहले ही रजिस्टर करवाया है तो लॉगिन करके उसके बाद अपडेट कीजिए। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 30 जून 2022 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक लास्ट डेट है, इसके बाद डेट नहीं होगी आगे एक्सटेंड। तो आप फटाफट से अपने सारे काम को कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हॉल टिकट को लेकर परेशान ना हो, एग्जामिनेशंस की तैयारी कंटिन्यू रखें, और जी हाँ, एग्ज़ाम से पहले सारे डाउट क्लियर करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में है इस वीडियो के, आप वहाँ से जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।